क्या पुनर्जन्म संभव है? इज री इनकार्नेशन पॉसिबल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन मेहरा। मैं आज फिर आपके साथ NBT लाइव के माध्यम से उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि क्या पुनर्जन्म संभव है, क्या री इनकार्नेशन होता है। मैं अपनी बात को अपने शब्दों से दोबारा आपको बताता हूँ कि हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ उसका अस्तित्व है। यानी अगर पुनर्जन्म इस शब्द का निर्माण हुआ है तो उसका अस्तित्व भी है, और री इनकार्नेशन बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में ऐसा बहुत उल्लेख है कि हम अलग अलग समय पे अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं और अलग अलग तरह का जीवन जीते हैं, और हर बार हमारे जीवन का एक अलग उद्देश्य, एक अलग पर्याय होता है। लेकिन जब हम री इनकार्नेशन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। अब इसमें दो अलग अलग तथ्य आ जाते हैं। री इनकार्नेशन इन द सेम लाइफ, री इनकार्नेशन इन द सेम लाइफ से मेरा मतलब कि एक लाइफ स्पेन है जो शायद आपका किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ। अक्सर हम देखते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं या अनयूजुअल डेथ्स होती हैं या कोई सुसाइडल डेथ्स हैं, ऐसी कोई डेथ जो नेचुरल नहीं है, जो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल है, ऐसा ही कोई मृत्यु जो जीवन में कई काम अधूरे छूट जाते हैं और जीवन का जो स्पैन है वो पूरा नहीं हो पाता, अक्सर ऐसे केसेस में, ऐसी सिचुएशंस में देखा गया है कि री इनकार्नेशन होता है। बिल्कुल ऐसी कई घटनाएं हैं और ऐसे कई तथ्य हैं कि जहां लोगों ने जब सेम लाइफ स्पैन में दोबारा जन्म लिया तो वो उन सभी रिश्तों को पहचानते थे, उन सभी लोगों को पहचानते थे, और जैसे ही उन्होंने एक कॉन्शियसनेस अपने जीवन में पाई तो वो उन जगहों पर वापस गए जहाँ उनका जन्म हुआ था, उन लोगों से मिले। ऐसे इस बात के बहुत एविडेंस हैं। अब ये तो हुआ वो री इनकार्नेशन इन द सिमिलर लाइफ। अब अलग लाइफ में री इनकार्नेशन क्या होता है? ऐसा री इनकार्नेशन कि आपकी मृत्यु के बाद आपका लाइफ स्पेन चेंज हो गया, लेकिन और अब आपको कुछ भी याद नहीं है, मतलब यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, लेकिन हमारे दूसरे लाइफ स्पेन में, किसी और लाइफ स्पेन में भी ऐसे कुछ सिम्टम्स, ऐसे कुछ मैसेजेस, ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं जो हमें अलग अलग टाइम पर महसूस होते हैं। सपोज आप किसी चीज़ों को बार बार देखते हो, जैसे हम अपनी ड्रीम सीरीज में इसके बारे में बात कर चुके हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसकी हम बात अक्सर करते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है क्या? अगर आपका री इनकार्नेशन नहीं हुआ है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एग्जिस्ट करता है तो री इनकार्नेशन भी है। और री इनकार्नेशन अक्सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जुड़ा होता है। तो आपका सपोज लाइफ स्पेन डिफरेंट है। अब मैं लाइफ स्पेन को थोड़ा सा, आप लोग अगर मेरी बात समझ नहीं भी पा रहे तो मैं डिटेलिंग कर देता हूँ। सपोज मैंने एक फैमिली में जन्म लिया जहाँ मेरे फादर, मदर, मेरी ब्रदर, सिस्टर सब लोग मौजूद हैं, और यहाँ ईश्वर ना करे अगर मेरी मृत्यु हुई तो मैं जब दूसरा जन्म लेता हूँ तो मैं इसी घर में, इसी परिवार में और इसी लाइफ में जन्म लेता हूँ, या अगर कहीं और भी जन्म लेता हूँ तो मुझे सब कुछ याद रहेगा क्योंकि मैं उसी लाइफ स्पैन को दोबारा जी रहा हूँ, उसका बचा हुआ लाइफ स्पैन जी रहा हूँ, उसके बचे हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुझे दोबारा जन्म मिला है, पुनर्जन्म मिला है, और उनकी पूर्ति के लिए मैंने दोबारा जन्म लिया है। तो जब मैं, मुझे सब कुछ याद है, मैं दोबारा उन्हीं लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, उनको, उन्हीं को अपना वो मानता हूँ परिवार, और उन तक वापस जाता हूँ, तो ये हुआ पुनर्जन्म सिमिलर लाइफ स्पैन में। और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो सपोज आप एक ही लाइफ स्पैन में से अलग दूसरे लाइफ स्पैन में जा रहे हो लेकिन कुछ रिग्रेट्स आपके पास्ट लाइफ के आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे क्या होता है, कई बार आपका कोई काम अधूरा छूट रहा है,
या कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है ऐसा जो आपको कई जन्मों से जीते हुए आप आ रहे हो और आप किसी और जन्म में जा रहे हो, तो वो भी एक तरह का री इनकारनेशन है। तो री इनकारनेशन जब हमारा होता है तो हम उसमें डिफरेंट लाइफ स्पैन में भी हो सकता है, उससे मेरे लाइफ स्पैन में भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि री इनकारनेशन होता है। अब इसको कैसे पहचानें, कैसे पता लगे? एक तो जैसे मैंने बताया बहुत रेयर केस है, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू टेक बर्थ इन द सिमिलर लाइफ स्पैन, तो वो बहुत आसानी से नहीं होता है कि आप उसी जीवन में आओ। तो बहुत लाखों में से करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति कभी ऐसा होता है जिसको सब कुछ याद होता है पुनर्जन्म का, और बहुत रेयर है। बस इस भाई ईश्वर के हाथों के रहस्य हैं जो सबको नहीं मालूम, तो ईश्वर जिसे ये चाहता है वो इस तरह का पुनर्जन्म उसको देता है, तो वो बहुत रेयर है। एक जो दूसरा लाइफ स्पैन जिसकी मैं बात करूँ कि आप डिफरेंट लाइफ स्पैन में री इनकारनेट हो रहे हो, तो उस री इनकारनेशन के अंदर आपके को कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, जैसे चाहे वो आपकी ड्रीम्स के थ्रू आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पर बार बार जा रहे हो, एक ही सपना बार बार आपको आ रहा है, आप उसे बार बार ऐसी जगह पर जा रहे हो जो आप कभी गए ही नहीं हो, और आप उसे महसूस करो कि आपने उसे देखा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी कई बार एग्जाम्पल शेयर करें हैं कि सपोज़ कोई एक ऐसी जगह है जो आपको सपनों में दिख रही है और वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है, बट आप आज तक वहाँ कभी गए नहीं और उसका एक्चुअल विजुअल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक एविडेंस है कि री इनकारनेशन हुआ है, बट इन अ डिफरेंट लाइफ स्पैन विद अ रिग्रेट ऑफ पास्ट लाइफ। तो री इनकारनेशन बिल्कुल पॉसिबल है, हमें सपनों के माध्यम से मैसेजेस मिलते हैं, हमें रैंडम थॉट्स आते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि कोई अचानक से कॉन्शियस हम अकेले बैठे और हमें कोई ऐसी बात अचानक से याद आती है जो हमारी इस लाइफ से जुड़ी हुई नहीं है, और हमें लगता है कि ये क्या था, और हमने इसको कभी जिया है क्या, या ऐसा कुछ है क्या, तो वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है इस बात का कि ये आपके पुनर्जन्म से रिलेटेड है। और पास्ट लाइफ में आपने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म मिलता है, तो अक्सर आपका अगर कोई कर्म अधूरा रह गया है या कोई आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है और आपका जो मृत्यु है वो एक नेचुरल प्रोसेस से होकर नहीं आया है, तो ऐसे टाइम पे अक्सर हम जब नए लाइफ स्पैन में आते हैं तो हमें वो उद्देश्य या वो मैसेजेस हमें मिलते हैं और वो बार बार मिलते हैं। मैं एक बात फिर कहूँगा कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरा ओपिनियन है, मेरी लर्निंग्स हैं, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट अगर आपको इनसे सीखने के लिए कुछ मिलता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे सीखिए, आप अपने हिसाब से अपने तर्कों के आधार पर इन बातों को समझिए और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से इसे जोड़िए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कोई एक सपना एक दो बार देख लिया तो आपका वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ ही है। कभी कभी हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंकिंग में भी हम एक सपने को कई बार देख लेते हैं, लेकिन वो अलग है। जो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए मैसेजेस होते हैं बहुत क्लियर होते हैं, ऐसे ऐसे सपने जो बहुत डिफरेंट हैं, ऐसी जगहों को देखना जो एग्जिस्ट तो करती हैं पर आपने कभी देखी नहीं और उतनी क्लैरिटी से, तो इस तरीके के मैसेजेस से हमें पता लगता है कि ये जीवन हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये हमारा री इनकारनेशन है। दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी लाइफ में हुआ है या आपने किसी और के बारे में इस तरह का एक्सपीरियंस सुना या देखा है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिए कमेंट के माध्यम से, और अगर आपको कोई भी बात हमारी अच्छी लगी है या आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो इन वीडियोज़ को ज़रूर आगे शेयर करिए, ये औरों के भी बिल्कुल काम आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।